सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य जो है राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 15 मई को सुबह 5:29 पर इनका वृषभ राशि में प्रवेश होगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। इससे पहले सूर्य जो है राहु के साथ पिछले एक माह से उच्च के होकर मेष राशि में चल रहे थे, जिसके कारण सूर्य ग्रहण बना हुआ था। तो अब ग्रहों के राजा सूर्य जो है वृषभ राशि में जा रहे हैं, अब एक माह तक ये वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य जो है सिंह राशि के स्वामी हैं, तुला में नीच के और मेष में उच्च होते हैं। सूर्य ग्रह से जो है किसी भी व्यक्ति का पिता देखे जाते हैं। पिता के कारक है सूर्य, आत्मा के नौकरी अधिकार शासन पद प्रतिष्ठा तेज मान सम्मान आदि के कारक जो है सूर्य ग्रह को कहा गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत ही मजबूत अवस्था में है तो उस व्यक्ति की जो है सरकारी कार्य में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं स्वयं में समाप्त हो जाती है। और यदि कई बार देखा गया है कि सरकारी नौकरी में बाधाएं पड़ती है या सरकारी कार्यों में, तो उसका कारण है कि आपका सूर्य जो है कमज़ोर है। सूर्य ग्रह यदि नीच का है, किसी पापी घड़ी से पीड़ित है, राहु केतु के साथ हैं, तो आपकी जो है कुंडली में कई तरह की बाधाएं खड़ी करता है। क्योंकि इस ग्रह को जो है तेज का कारक कहा गया है, शासन तेज अधिकार पूर्व दिशा के स्वामी है सूर्य ग्रह। तो जब ये वृषभ राशि में आएगी तो वृषभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम देंगे, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, यदि वृषभ राशि की बात की जाए तो वृषभ राशि के लिए जो है बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि इस समय जो है आपका आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत रहेगा। वृषभ राशि में सूर्य आ रहे हैं जिसके स्वामी खुद शुक्र हैं। इस समय यदि आप कहीं कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी वालों के लिए ये समय बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। क्योंकि इस समय तो आपके पिता से भी जो है संबंध काफ़ी मधुर रहेंगे, साथ ही आपकी जो सुख सुविधा है उसमें बढ़ोतरी होने के पूरे चांस बन रहे हैं। तो इस समय आपकी प्रॉपर्टी मतलब जो ज़मीन जायदाद है उसमें भी आपकी बढ़ोतरी होगी, साथ ही कोई गाड़ी खरीदने की योजना जो है आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो वो योजना भी आपकी जो है सफल हो जाएगी। और कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र आपका स्ट्रांग रहेगा, काफ़ी मजबूत रहेगा। इस दौरान जो है आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई नया कार्य यदि शुरू करने की आप सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। और क्योंकि इस समय शुरू किया गया व्यवसाय आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देगा। और यदि आप जो नौकरी करने वाले हैं जातक, कोई नौकरी बदलना चाहता है या कहीं और नौकरी ट्राई कर रहा है, तो इस समय नौकरी में फेरबदल आपकी हो सकती है, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, कहीं आपकी जो है नौकरी में जो आप ट्रांसफ़र होगा या बदलाव होगा तो उस वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कहीं अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है। यदि सरकारी में नहीं करते हो, यदि प्राइवेट नौकरी आप कहीं कर रहे हो तो उसमें भी आपको जो लाभ होगा। और परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये, कि सरकारी नौकरी के चांस पूरे पूरे बने हुए हैं जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और पिता से भी कुछ लाभ आपको हो सकता है, पिता से कुछ संपत्ति आपको प्राप्त हो, तो ये समय जो है वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। क्योंकि जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है तो उस काल को, उस समय अवधि को जो है सूर्य संक्रांति के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अभी तक जो दिक्कत आपको आ रही थी, क्योंकि सूर्य राहु एक साथ थे, तो एक साथ सूर्य राहु को होने से जो है वो वृषभ राशि वालों के लिए दिक्कत पैदा कर रहे, समय जो है आपके काफ़ी खर्चे हुए और नुकसान ज़्यादा हुआ आपको, लेकिन अब वो समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। सूर्य ग्रह जैसे ही राशि बदलेंगे तो आपके लिए समय अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इस समय जो है आपके सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे तो आपका जो आत्मबल काफ़ी बड़ा रहेगा, क्योंकि आत्मा के कारण सूर्य ग्रह, तो इस समय आपका जो है आत्मबल रहेगा, साथ ही आपका आत्मविश्वास बहुत बड़ा रहेगा। आपके द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं वे सफल हो गए, आप कोई निर्णय व्यापार में या कहीं साझेदारी में लेते हैं तो
तो ये समय अच्छा रहेगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव आपके बना रह सकता है, दाम्पत्य जीवन को बात की जाए तो कुछ मनमुटाव को देखने को मिल सकता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन की दृष्टि पड़ेगी तो दिक्कतें कुछ सूर्य ग्रह पैदा कर सकते हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन में जो है आपको थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो ये था वृषभ राशि का राशिफल, सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद क्या रहेगा। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।